तो ये मान लिया है, ये बिल दिया है और ये वाली पतंग है, शुक्रिया पाँच पाँच रुपए की पतंग है ये सब। और ये वाला जो मांझा है ये फाइटर है, ये वाला देख रहे आप पतंग है। और ये वाली पतंग कितनी है, पाँच की, पाँच पाँच रुपए की पतंग है ये सब, ये सारी पाँच की है। और ये देखिए बड़ा साइज है ये पतंग का, ये आठ का है, ले सकते हैं इनको। तो मैं इनका नंबर डाल दूंगा मैं, ये वाले भैया हैं, आप इनसे मंगवा सकते हैं, ऑर्डर ऑर्डर करा सकते हैं। और ज्वालापुर में मैं लोकेशन डाल दूंगा नीचे गूगल मैप की। और ये वाली सब पतंग पाँच पाँच की, ये वाली पीछे वाली भी पाँच पाँच की, और ये सब आठ आठ की है। तो ये देख रहे हैं आप सी 28 मान जाए, अभी अभी नई चटनी खोली है और बिल्कुल एकदम करारा मान जाए एकदम, और स्मूथ भी अंकल का कांच नहीं है इसमें बिल्कुल। और ये जेके वालों का है पूरा एकदम मैदानी बन गया। और कितने का पड़ेगा भैया ये? 450 का पड़ेगा पूरा। कितनी रील है इसमें? तीन रील है और ये आपको 450 का पड़ेगा। तो मैं आपको इनका नंबर नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इनको कांटेक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं मांझा इनसे। इन पर झाऊ भी है और इन पर बड़े पतंग भी है, दिखा दो। और चांद वाला ये जो आपका बड़े वाला पतंग है 20 रुपये का, और ये 8-8 रुपये के पतंग है। और ये बहुत बड़ा पतंग है, ये 20 रुपये में ले रहे हैं पतंग। और ये सब ये वाला भी 20 और दुग्गा 30 का है, दुग्गा महंगा है। और ये चांद वाला जो है ये आपका 20 रुपये में मिल जाएगा। तो ये मान लिया है ये भी। तो आप देख सकते हैं पुच्छड़ कितने भारी है इनके, 6 रुपये का है, एकदम सस्ता माल मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लूट मछली है। और ये जो बड़ा चांद वाला पतंग है मैं 30 का लेके गया था, तो 20 का दे रहा है, तो सही है। और ले सकते हैं आप। तो ये वाला डुग्गा है ये 30 रुपये का दे रहे हैं, बहुत बड़ा डुग्गा है एकदम पूरा पूरा काला एकदम। और बड़े बड़े पतंग हैं ये 20-20 के हैं, ले सकते हैं ये वाले जो पतंग हैं 20-20 के दे रहे हैं। तो भाई ये देख लो पतंग उड़ा रहे हैं। और ये वाला जो मांझा है ये फाइटर है, ये वाला फाइटर मांझा है मोनोकाइट का। और धार बहुत ज़्यादा तेज है इसकी, हाथ वाथ कट जाएगा फालतू में। दो बार कट भी चुका है, हाँ देखो दो बार कट भी चुका है, तो नाल है इससे उड़ाते हाथ की ऐसी हालत हो गई। ये देख लो, रुको एक मिनट, ये देखो हाथ की हालत, हाँ अब देखो ये हाथ की हालत भी ऐसी हो चुकी है। तो यार फाइटर वाइटर मोनोकाइट के चक्कर में ना पड़ो, मोनोकोट।